नमस्कार दोस्तों, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फेसबुक के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी मैं गुवाहाटी में ही हूँ, तो इसीलिए जो है आज आप लोगों को मैंने सोचा कि क्या दिखाऊं। तो आज अभी हम चलते हैं यहाँ पे धन के साथ, हम लोग चलते हैं अभी कोला क्षेत्र और देखते हैं कि 2023 में, बहुत पहले मैं एक बार कोला क्षेत्र आया था, उस समय का नज़ारा कुछ और था और अभी क्या है, क्या कुछ चेंज हुआ है। तो चलिए वहीं पर मिलते हैं आपसे, तो बने रहो वीडियो पर, आज आपको गुवाहाटी का कोला क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो चलो चलते हैं सीधा कोला क्षेत्र। और दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं कोला क्षेत्र में, गुवाहाटी के कोला क्षेत्र में, और यही है कोला क्षेत्र, श्रीमंत शंकरदेव कोला क्षेत्र। और यहाँ पे जो धन है वो टिकट ले रहा है अभी, और टिकट का जो प्राइस है वो अभी फ़िलहाल 30 रुपीज़ है, और हम लोग स्कूटी लेके आए हैं तो स्कूटी का जो पार्किंग चार्ज है वो 20 रुपीज़ है, और बाकी जो डिटेल्स है वो मैं आपको दिखा दूँगा वीडियो में, मैं बता दूंगा उसका जो टिकट का काउंटर में जो भी है लिस्ट। और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो टिकट का सारा जो लिस्ट है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। और आपको बता दूं कि अगर आप गुवाहाटी घूमने के लिए आते हो तो पल्टन बाज़ार से जो है आपको डायरेक्ट पंजाबाड़ी का जो बस है वो वहाँ पर आना पड़ेगा, पंजाबाड़ी वाला बस, ठीक है। उसके बाद वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे इसके कोला क्षेत्र के ठीक अपोजिट में ही आपको स्टॉप कर देगा, वहाँ वहीं पर स्टॉपेज है, आप वहाँ पर उतर सकते हो। और दोस्तों यहाँ हमारा टिकट आ गया है, तो आप देख सकते हो एडल्ट का 2 है 30 रुपीज़ करके 60, और टू व्हीलर्स पार्किंग 20, टोटल हो गया 80। सो दोस्तों हमने पार्किंग कर लिया है स्कूटी का, और अभी देखते हैं इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ का एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंट्री हुए हैं, और हमने जो पार्किंग है इस साइड में किया, एंट्री होने के राइट साइड में हम पार्किंग किया, और पार्किंग करने के बाद अंदर का कुछ व्यू यहाँ पर, छोटे बच्चों का जो ये चिल्ड्रन पार्क है यहाँ पर छोटा सा, और चलिए अंदर की ओर चलते हैं। दोस्तों पहले जो ये था ना, ये वाला ये चीज़ नहीं था, अभी नया दिया है भाई। वैसे पानी बहुत गंदा है अभी। यहाँ पे दोस्तों एक सुंदर सा फाउंटेन है जो शाम को काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, मैंने बहुत बार इसको देखा है, जब भी आता हूँ तो केवल इसी के लिए इवनिंग को आने का मन करता है, तो आज भी इसलिए मैं इवनिंग को ही आया हूँ। अभी 4 बजने वाला है, तो अगर थोड़ा सा शाम तक अगर ये दिखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये यहाँ का सेकेंड गेट जो कि रंगघर, गुवाहाटी का रंगघर है ये, तो ये है गुवाहाटी का रंगघर। यहाँ पे जैसे एक डिज़ाइन बनाया है, मॉडल बनाया है, और यहाँ से आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ सकते हो इसके, और यहाँ लेफ्ट साइड में भी है जाने का रास्ता। पहले हम सीधे चलते हैं, और यहाँ इस तरफ जाने के लायक कुछ नहीं है, बस वो ये पानी वगैरह दिखेगा। पहले तो यहाँ मछली वगैरह काफ़ी हुआ करता था, जब मैं पहले आया था तो यहाँ पे मछली वगैरह काफ़ी कुछ था, अभी देखो बिल्कुल पानी है ही नहीं, और मुझे पता नहीं क्यों इतना गंदा लग रहा है अभी, पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन बहुत साफ़ सुथरा था, और शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। और ये भी गुवाहाटी का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है, सो इसको इतना अवॉइड हमारे यहाँ के गवर्नमेंट नहीं करेगी, तो इसीलिए शायद अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और यहाँ पे एक हॉल भी है, ये स्टेज है, ड्रामा वगैरह यहीं पे होता है, बहुत कुछ प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे होते रहता है। ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये भी एक फाउंटेन है जो जो कि रात को होता है, और इसके आप देख सकते हो, शायद अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एंट्री है वहाँ से सीधा आने के बाद यहाँ से आपको इधर में कैंटीन वगैरह मिल जाएगा कुछ खाने पीने के लिए। और ये जो है ये म्यूज़ियम है, तो हम लेफ्ट से चलते हैं। और ये देख सकते हो ये पूर्वज्योति म्यूज़ियम है, ये हम जाएंगे पहले एक राउंड होके आते हैं। और यहाँ पे कुछ आपको ये स्टॉल वगैरह है यहाँ पे जहाँ से आप कुछ खरीद सकते हो, जागरण है ये सोवेनियर शॉप है श्रीमंत शंकरदेव कोला क्षेत्र।
शास्त्रीय श्रीमंत शंकरदेव म्यूजियम, शास्त्रीय लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ म्यूजियम है ये। विभिन्न जनजातियों का जो है ट्रेडिशनल ड्रेसेस है ये। लो ये इसमें एंट्री होते हैं अभी। दोस्तों चलते हैं अभी साहित्य रथी श्री लक्ष्मीनाथ जी बेजबरुआ के म्यूज़ियम में। दोस्तों वैसे तो असम के सभी लोगों को ही, मैक्सिमम लोगों को पता है कि हमारे लक्ष्मीनाथ जी बेजबरुआ कौन है। और वैसे आपको मैं बता दूं कि इन ये जो है एक राइटर थे, एक नॉवलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे, पोइट थे, एडिटर थे और भी बहुत कुछ। उनके जो जीवनी में बहुत कुछ आपको मिलेगा ये पूरा म्यूज़ियम में। अगर आप लक्ष्मीनाथ जी बेजबरुआ के फ़ैन हो तो आपको इससे बढ़िया म्यूज़ियम तो और पूरे असम में कहीं नहीं मिलेगा। उनके बारे में ए टू जेड सब कुछ दिया हुआ है, क्योंकि मैं खुद हैरान था कि एक इंसान के बारे में इतना कुछ कलेक्शन किया हुआ है इस म्यूज़ियम ने। मतलब इनक्रेडिबल है। ज़रूर जाना, कलाक्षेत्र आते हो तो इनके पास जाना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इनके बारे में। और दोस्तों ये यहाँ का पुराना लाइब्रेरी है, जहाँ पे देखिए इतना ह्यूज कलेक्शन है। ये प्रतिदिन अगस्त 2009 यहाँ का। इतने पुराने पुराने न्यूज़ है ये, अभी भी किन संभाल के रखा हुआ है। 2008 का है, 2004 का है। तो इसी यहाँ से निकलने के बाद तो नीचे से हम आए थे, अभी हम बाहर निकल गए हैं। ये म्यूज़ियम बताया था ना आपको, वो म्यूज़ियम है। और इस तरह जाते हैं, देखते हैं कि इस तरफ क्या बनाया है।
एरिया जो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ पे अगर आते हो तो तकरीबन दो ढाई घंटा लग जाएगा आपको पूरा कवर करने के लिए। तो इस पूरे एरिया को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहोगे तो आपको दो ढाई घंटा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी रास्ता है, इधर भी है। तो इस वक्त हम इस तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ये बना हुआ है, जहाँ से यहाँ पे नीचे स्टेज शो है, ये नीचे आपका प्रोग्राम होगा और ऊपर जो है ऑडियंस बैठे रहेंगे। बहुत सारे जो हमारे असम में कुछ मूवी वगैरह होता है तो यहाँ पे शूटिंग भी हुआ है, बहुत सारा शूटिंग में आपको देखने को मिलेगा ये वाला प्लेस। तो दोस्तों हम वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गए हैं अभी, तो यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको क्या है, मैं पूरा एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरे साथ है यहाँ पे धन, यहाँ का लोकल है तो वो जानता है सब कुछ, इसलिए मैं इसके साथ आया हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है यहाँ पे जो कि धन को अच्छी तरह से पता है। और आप देख सकते हो ये नामघर है। दोस्तों नामघर से नीचे अभी हम लोग इधर नीचे जाएंगे, तो नीचे धन ने बताया कि एक पपेट म्यूजियम है, तो देखते हैं क्या है वो, पहले मैंने देखा नहीं है वो एक्चुअली। तो चलते हैं नीचे और देखते हैं कि पपेट म्यूजियम क्या है। पहले आए हो पपेट म्यूजियम में? चार पांच बार आ चुके हो? अच्छा, यहाँ से होके नीचे जाना है ना, काफ़ी नीचे जाना होता है, तो यहाँ से लेके कहाँ तक नीचे तक जाना है। और इस वक्त मेरा पाँव का हालत भी ख़राब है, क्योंकि कल जो है एकोलैंड में काफ़ी ज़ोर से चोट लगा था मुझे पाँव में। दोस्तों कल भी हम एकोलैंड में काफ़ी लंबे लंबे सीढ़ी चढ़े थे, और ये पूरा ट्रिप जो है ना, पूरा ट्रिप था हमारा शिलोंग से लेकर ये गुवाहाटी वाला, इसमें केवल चढ़ाई चढ़ाई डाउन फिर चढ़ाई, ये कर करके हालत ख़राब हो गया हमारा, मेरा तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो गया। और बहुत सारे ऐसे स्पॉट में तो पूजा गई नहीं, मैं अकेला गया था, बस आप लोगों को कुछ दिखा सकूं इसीलिए मैं निकल के जाता हूं। तो वीडियो को अगर पसंद करते हो तो लाइक ज़रूर कर देना और लोगों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे असम में कितने खास खास प्लेसेस है। वहाँ से होकर यहाँ तक सीढ़ी आया और ये है नीचे का व्यू। तो ये वाला अब दिख रहे हो ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये है यहाँ पे एक ट्रेन टाइप का है रोलर कोस्टर, जो कि इसमें आप चढ़ोगे तो वहाँ पे कुछ अमाउंट वगैरह है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये पूरा जो है यहाँ पे घुमाएगा आपको, बस ये राउंड ही घुमाता है, कोला क्षेत्र के उस तरफ लेके नहीं जाता है, ये राउंड यहाँ पे आपको घुमा के। मैं पहले गया था तो इस बार मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये बच्चों को ज़्यादा पसंद आएगा, तो अगर आप बच्चों के साथ आते हो तो ये वाला राइड ज़रूर कराना, उनको ज़रूर पसंद आएगा, जो कि एकोलैंड में भी था, कल मैंने दिखाया था आपको, सेम ट्रेन था ना एक छोटा वाला, वही वाला। यहाँ पे भी जो फाउंटेन है, पर ये पानी नहीं है, सूख चुका ये, तो मुझे बुरा भी लग रहा है कि काफ़ी कुछ है फिर भी जो है ये सब फिर से मतलब बनाया नहीं जा रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट अगर बनाता तो, क्योंकि टूरिस्ट जो है यहाँ पे हमेशा ही रहता है, हमेशा, चाहे वो ये कोला क्षेत्र जितना भी पुराना क्यों ना हो, यहाँ पे टूरिस्ट जो है आना बंद ही नहीं हो रहा है। तो अगर टूरिस्ट वगैरह इतना आ रहे हैं तो पैसा भी मिल रहा है, तो बनाना चाहिए ये सारा कुछ। तो दोस्तों ये है डॉल्स म्यूजियम, तो देखते हैं इसके अंदर में क्या है। यही है पपेट म्यूजियम, अच्छा बचपन में, ये वाला बचपन में आपने सुना था ना, एक क्रेन जो है ये केकड़ा को लेके जाता है दोस्त बोल के, तो उसके बाद वो जो क्या बोलते हैं, एक एक करके मछली को बाहर लेके जाऊंगा बोलती थी, तो बचाने के लिए ये केकड़ा को बोला था कि एक एक मछली को मैं लेके जाऊंगी बोल के, तो ये खा लेती थी। तो जब उसको केकड़ा को पता चला बाद में कि ये इसको खाने वाली है, तो केकड़े ने उल्टा उसके गले में इसको काट लिया था। तो पढ़ा होगा आपने छोटे में बचपन में। इधर भी है बहुत, यहाँ से भी आपको बहुत सारे
पंचतंत्र कहानियाँ आपको ये दिखाई देगा। अगर देख के आपको पता चल रहा है कहानी तो कमेंट में ज़रूर बता देना। और ठीक ऐसा यहाँ भी बना हुआ है, ये कहानी भी शायद आपको याद आया होगा। तो चलो हम एंट्री हो जाते हैं अंदर। ये कुछ जापानीज डॉल रखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ देखिए जय श्री राम, राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी है यहाँ पे। ये है बेवला एंड लखिंदर जो कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ये हमारा असम का बिहू डांस काफ़ी सुंदर बनाया है। नेमो का आर्टिस्ट भी है यहाँ पे। यहाँ पे हारमोनियम और तबला का बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ डांसर मिनिस्टर किंग क्वीन। यहाँ सावित्री एंड सत्यावन। यहाँ पे कुछ मार्क्स वगैरह बनाया हुआ है। हरियाणा मार्क्स ऑफ हरियाणा एंड यहाँ है पपेट ऑफ असम डॉग थर्मोकोल से बना हुआ है। तो लग नहीं रहा है थर्मोकोल से बना हुआ है। बैम्बो भी यूज़ किया हुआ है, थर्मोकोल बैम्बो वुड क्ले बहुत कुछ यूज़ किया है। काउडंग भी यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ हमारे शिव जी, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, कृष्णा एंड नारद जी। यहाँ भी आप देख सकते हो ये है रूरल पीपल ऑफ असम। ये असम का ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह पहना हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल के कृष्णा नगर, यहाँ पे देख सकते हो डॉल्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो काफ़ी प्यारा जो बना हुआ है, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग किया हुआ है। देखिए आप सचमुच जिसने भी बनाया है काफ़ी बढ़िया कारीगरी है उनका। और ये वेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये टॉर्च ऑफ राजस्थान है। यहाँ पे आप देख सकते हो यमराज जी है, यमदूत एंड चित्रगुप्त है। यहाँ देख सकते हो गॉड्स ऑफ उड़िया। यहाँ पे कश्मीर ये डक है। ये हैं मॉडर्न टॉयस जो आजकल के बच्चे खेलते हैं। और ये कुछ मॉडर्न डॉल्स हैं यहाँ पे, देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। यहाँ कुछ मॉडर्न डॉल्स हैं जो कि आजकल के बच्चे खेलते हैं। यहाँ भी है कुछ मॉडर्न डॉल्स। यहाँ भी है, ये रहा हमारा जादू। ये टाइगर, इधर हॉर्स, ये पपेट्स ऑफ असम। यहाँ पे आपको स्नैक मिल दिख रहा है, एलिफेंट दिख रहा है, डियर एंड स्नैक, वन मोर स्नैक। तो दोस्तों बस ये है कि ये जो पूरा मटेरियल बना हुआ है ये थर्मोकोल बैम्बू वुड क्ले काउडंग क्लॉथ और कलर से बना हुआ है।
तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, बहुत सुंदर बनाया है जो भी है। चलो हम यहाँ से चलते हैं अब। तो ये मच्छी वाला पोस्टर है, फिश वाला। आप अगर बच्चों के साथ आते हो तो उन्हें एक बार राइड जरूर कराना, उन्हें जरूर पसंद आएगा। ये बाय 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 बाय, बच्चे शर्मा रहे हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। और दूसरा वाला भी आ गया, वाह। वो देखिए दूसरा वाला भी आ गया वहाँ से। तो बड़ों को भी अलाउ है, ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों को ही है, तो बड़े भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं भी गया था इसमें। चलो फिर आगे चलते हैं अब। तो चलिए मैं आपको, यहाँ देखिए कितने सारे भीड़ लगा हुआ है, बहुत सारे लोग आए हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ का टिकट के बारे में बता दूँ। ये देखिए ये आ रहा है, ये पूरा इलेक्ट्रिक से चलता है दोस्तों। तो मैं आपको टिकट के बारे में बता देता हूँ, वहाँ चलकर दिखाता हूँ वहाँ पे टिकट के बारे में, टिकट का क्या प्राइस है। देखो काफ़ी लोग हैं अभी भी। और दोस्तों आपने देखा वहाँ पे, तो ये वाला जो है ये 50 रुपीज़, ये भी टिकट है, और ये टेलीकॉम्बार्ट वाला, और स्काई वाला ये है। और ये देखिए ये पूरा, पहले ऐसा नहीं था, पहले मतलब पूरा कलाक्षेत्र नहीं घुमाता था, अभी जो है ये पूरा इस वहाँ से लेके ना ये वाला पूरा ऐसा करके घुमाता है, ऐसा करके। तो इसका भी 50 है, सेम प्राइस है। ये वाला अभी बंद पड़ा हुआ है, वो वाला खुला हुआ है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, जो लोग गुवाहाटी घूमने आते हैं उनके साथ शेयर कर देना। शिलोंग वाला वीडियोस का जो सीरीज़ है वो भी है हमारे चैनल पर, जाके देखना आप, बहुत कुछ है वहाँ पे भी दिखने लायक। तो अभी हम यहाँ अंदर चलते हैं। इसमें क्या है, ये क्या है, इनॉग्रेटेड। तो हमारे पुराने जो मुख्यमंत्री थे श्री लेट श्री तरुण गोगोई जी ने इनका इसका जो है उद्घाटन किया था। तो ये है हमारा म्यूज़ियम, चलो अब म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। और दोस्तों हमारे लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका जो है ये पूरा इनॉग्रेट किया था यहाँ पे। तो लिखा भी है, लेट द फाउंडेशन ऑफ श्रीमंत शंकरदेव इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर फेस टू ऑफ श्री श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र प्रोजेक्ट। ये पूरा 1999 में, जुलाई 9 1999 में इसका इनोवेशन किया था। तो हमारे यहाँ पे है ये डॉक्टर भूपेन हजारिका जी का म्यूज़ियम। इस पहले हम स्टेट में यहाँ पे जो म्यूज़ियम है उसको विज़िट करते हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं कि डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के म्यूज़ियम में क्या क्या रखा हुआ है। ये है हमारा म्यूज़ियम, पूर्व ज्योति म्यूज़ियम। तो देखते हैं अंदर में क्या है। तो दोस्तों यहाँ आप लोगों की भीड़ देख सकते हो, काफ़ी लोग आए हैं देखने के लिए। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। धन ये है गया सूर। ये हमारे असम का बिहू डांस, वहाँ पे छोटा वाला दिखा था, यहाँ पे आपको बड़ा वाला दिख रहा है। ये मोरान कम्युनिटी का है, तो ड्रेसेस आप देखना। और राइट साइड वाला जो है वो राजवंशी कम्युनिटी का है। और ये है हमारा झूमर डांस ऑफ टी ट्राइब कम्युनिटी का है। और ये है
बागुरुम्बा डांस बोडो कम्युनिटी का है। यहाँ आपको नेपाली कम्युनिटी दिख रहा है और राइट साइड में जो है वो हाजोंग कम्युनिटी है। तो ये खुकरी लिया हुआ है और ये जो है असमिस प्राइड एंड ब्राइट ग्रूम है। तो देखिए काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे पूरा गांव का लोकेशन दिया हुआ है लोकेशन। और ये हमारा सेरीकल्चर का मॉडल बनाया हुआ है। और ये जो वाम आपको दिख रहा है ये आपको पता होगा सेरीकल्चर में यूज़ किया जाता है, इससे धागा बनता है। यहाँ देखिए बड़े बड़े मटका रखा हुआ जो पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। दोस्तों मैंने कहा था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये देखिए पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा है ये हॉल। दोस्तों ये है सोनातार, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है पुराना टाइम ज़माने का। एक बड़ा सा नाव दिख रहा है आपको। और ये जो थाली है ये भीम का थाली बोलते हैं इसको। क्या ठीक होगा तो देखिए आप कितना बड़ा है ये आपको पता चल रहा होगा। मयूर आसन है ये। तो ये है गुरु आसन, ये जो आसन आपको दिख रहा है इसका नाम है गुरु आसन, जो कि 3.58 मीटर हाइट है इसका और ब्रेथ जो है वो 3.3 मीटर है। ये पूरा ऊट से बना हुआ है और कलर किया हुआ है। और ये जो आसन है गुरु आसन, ये असमिस मतलब कल्चर में है ये एक्चुअली। दोस्तों ये जापी देखिए हमारे कल्चर का कितना बड़ा है। चलो खड़ा होना तो एकदम तो आप देख सकते हो कंपेयर करके कि ये जो जापी है वो कितना बड़ा है। दोस्तों ये कुछ आर्ट गैलरी यहाँ पे। ये था आर्ट गैलरी। और दोस्तों हम अभी गए थे आर्ट गैलरी में जहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो एक्चुअली क्या है कि जो लोग आर्टिस्ट हैं उन्हें ही पता चलता है उसका मीनिंग। तो अगर मुझे कोई बता देगा तो मुझे भी पता चलेगा, लेकिन अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग चलेंगे अभी भूपेन हजारिका जी के म्यूज़ियम में, देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है उनके मेमोरी के से रिलेटेड। ये देखिए उनका पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण, ये पद्म भूषण। ये उनका पासपोर्ट रखा है। Thank you.
तो ये सारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करते थे वही रखा गया है यहाँ पे। काफ़ी लोगों का भीड़ है यहाँ पे, तो सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों हमने पूरा जो एक्सप्लोर करके आपको दिखा दिया, और यहाँ पे अभी देख सकते हो काफ़ी लोग आ चुके हैं, और ये हम जो है अभी यहाँ से निकल रहे हैं। अगर आपको आपके किसी रिलेटिव को कोलाक्षेत्र के बारे में बताना है तो इस वीडियो को शेयर करना जितना हो सके, और ताकि उन्हें भी पता चले कोलाक्षेत्र में क्या कुछ पाया जाता है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट फिर मिलते हैं कुछ और लोकेशन में। तो चलिए आज के लिए बाय।